अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, नमस्ते, कस काय एंड वेलकम टू वीवो वी 17 प्रो प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 13 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। लड़कों के साथ ब्लैंकेट में घुस जाना ये आपका टैलेंट है। और फ्रेंड्स, जब कोई मर्द एक औरत की बेइज्जती करता है तब गाइज इट लुक्स वेरी बैड ऑन स्क्रीन। एंड गाइज, जब एक औरत ही औरत की बेइज्जती करे स्पेशली इन मैटर्स में, देन गाइज इसे चीप क्लास मेंटालिटी कहते हैं, उसकी जो ये कहता है उस औरत को। वेल फ्रेंड्स, कोयना मित्रा हैज नो, लिटरली स्पीकिंग, नो कंट्रोल ओवर हर टंग। यू नो, जितना गंद वो शहनाज गिल के बारे में बोलती हैं उनके मुंह पर, दिस इज रिडिक्युलस। सिद्धार्थ शुक्ला कहता है वो शहनाज गिल को इसीलिए पसंद करता है क्योंकि वो बच्ची जैसा स्वभाव है उसका, वो किडिश है, वो यू नो एकदम बच्चे सोचती है, दिल उसका साफ है। एक जमाने में वो भी उसी की तरह हुआ करता था, इसीलिए वो उसके लिए सपोर्टिव है, प्रोटेक्टिव है। लेकिन कोयना मित्रा यहाँ पर गिल के लिए जो जहर अपने दिल में बसा कर रखी है, वो मेरे तो समझ के बाहर है कि क्यों इतना जहर किसी के प्रति किसी के लिए हो सकता है। लेकिन गाइस, बिग बॉस का शो है, ये तो शुरुआत है कि लोगों के अंदर से जहर बाहर निकलेगा। एंड जिस तरह से जहर निकल रहा है यहाँ पर, यू नो जो राइटर है यानी कि ठर की छोकर आयो रे, वो कहता है कि बिग बॉस बाथरूम में जितना गंद नहीं है उतना गंद बिग बॉस में है। वेल फ्रेंड, ये तो बिग बॉस का यू नो फॉर्मेट रहा है, पैटर्न रहा है, इसी का कारण है इस साल का बिग बॉस हैज टेकन अ फैंटास्टिक स्टार्ट, टीआरपी इज टचिंग 2.7, द नंबर वन रियलिटी शो ऑन इंडियन टेलीविजन। चलिए गाइस, आज का एपिसोड हम लोग शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, आज का ऑब्वियसली मछली का कार्य था, जिसके पास ज्यादा मछली होगी पॉन्ड में, लड़कियां पॉन्ड्स रखी हुए वहां पर लड़कों के, उसमें मछलियां फेंकेगी एट द एंड ऑफ दैट गेम। जिसके पॉन्ड में सबसे ज्यादा मछली होंगी वो ऑब्वियसली नॉमिनेशन में चले जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दोज ब्लैक रिंग्स। यस फ्रेंड्स, ब्लैक रिंग जिसके पास होगी चार लोग नॉमिनेट हो जाएंगे, एक व्यक्ति जिनके पास कम ब्लैक रिंग्स है वो नॉमिनेट नहीं होगा। यहाँ पर गिल इज वेरी क्लियर, वो कहती है मैं लड़कों के मुंह लगना नहीं चाहती हूँ, मैं जैसे हूँ मैं वैसे दिखना चाहती हूँ। और दिखकर भी आ रही है शहनाज गिल, वो फ्रैंक है, वो मुफट है, वो बड़बोली है, दिल की साफ है या नहीं साफ है वो आपके हाथों में डिसाइड करना है, लेकिन वो ये कहती है। और ये सुनते ही कोयना मित्रा थिंग्स के वो उसके घर की कामवाली है, शहनाज गिल उसके घर की सर्वेंट है, आया है, मेड है, जस्ट बिकॉज कोयना मित्रा इज अ ह्यूज एक्ट्रेस, जो उनको लगता है कि वो है, वो शहनाज गिल को कुछ भी सुना सकती है। और आज तो इतनी हद हो गई कि वो कहती है यहाँ अंदर से आने से पहले मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये शहनाज गिल कौन है। एंड रश्मि देसाई इज लाइक, हाँ मुझे भी नहीं पता था कि ये शहनाज गिल कौन है। तुम लोग को एक बात बताऊं, मुझे भी नहीं पता था कि रश्मि देसाई तुम कौन हो। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया? किसी के सामने ऐसा बोलना, उसको शो में नीचे गिराना, इट्स नॉट कूल मान। भी नेशनल टेलीविजन पे कोयना मित्रा कहती है शहनाज गिल को, जस्ट जिप इट अप, फालतू की बात मत कर, यू आर एन ब्लडी अनएजुकेटेड गार्बेज वुमन। ये कोयना मित्रा के एग्जैक्ट अल्फाज है, यू आर अ ब्लडी अनएजुकेटेड गार्बेज वुमन। गिल कहती है ओए तू चुप कर जा, तू फालतू की बात ना कर। और उसके बाद कोयना मित्रा उसे कहती है अनपढ़, दिन रात तू बकवास करते रहती है, तेरे ब्लड में बकवास भरा हुआ है। और कोयना मित्रा कहती है कि मैं बकवास नहीं करती हूं। एंड गाइज, लड़कों के साथ ब्लैंकेट में घुस जाओ यही तुम्हारा टैलेंट है। बिफोर द शो आई डिंट इवन नो ऑफ हर एग्जिस्टेंस, यानी कि इस शो से पहले शहनाज गिल नाम की कोई महिला इस दुनिया में एग्जिस्ट करती भी नहीं या नहीं करती थी वो उन्हें नहीं पता। अब गाइज, टोकरी टास्क शुरू होता है। एंड गाइज, जो टोकरी रहती है उसमें जो मछलियां रहती है वो उनको पॉन्ड में डालना है। रश्मि देसाई ने जिस तरीके से नो जो मछलियां हैं वो पॉन्ड में डाल दी सारी की सारी, किसके? शुक्ला के। घर अब डिवाइड हो चुका है, एक तो पारस छावड़ा गैंग जो फेक कपड़े पहनते हैं, लोखंड वाला जितनी बुटीक्स है वहां जा जाकर यू नो 20-20-30 हजार के जूते 2-2 हजार रुपए में लेकर आके नेशनल टेलीविजन पर शो ऑफ करते हैं। आज जो फीला का रैप्टर इस बंदे ने पहना था, हाँ येल्लो कलर का डुप्लीकेट, हाँ, और जैसा वो डुप्लीकेट कपड़े पहनता है वैसे वो डुप्लीकेट इंसान भी है पारस छावड़ा। और दूसरा गैंग बन गया सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो नेशनल टेलीविजन पर बैठा है,
तुम्हें पता है। हाँ चलो थोड़ा टीवी है, समझ में आता है ना, एचडी में कैसा दिखता है, सुधा चुकला। हाँ उसने ऐसा बोला मेरे बारे में, पूरा टीवी हिलता है, वो कितना हिलता है स्क्रीन पे, तुम लोग देखो जाके, तुमने नोटिस नहीं किया होगा, वो बंदा पूरा हिलते रहता है जब वो गुस्से में आता है। तो दो ग्रुप डिवाइड हो चुके हैं, एक तो पारस छाबड़ा ग्रुप एंड दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला ग्रुप। ये अभी क्लियर है, ये किसी से छुपा नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला भड़क जाता है फुल, क्योंकि रश्मि देसाई जो टोकरी है, जो पॉइंट है, उसमें मच्छी के साथ वो टोकरी में फेंक देती है। वो कहते हैं मच्छी चला ठीक है, वो टोकरी को डाल दिया, निकाल निकाल टोकरी निकाल टोकरी निकाल, वो फुल भड़क जाता है। लेकिन यहाँ पर कोयना मित्र जो है वो आज फुल मूड में, वो कहती है शहनाज गिल इज अ पॉइजन। वो सिर्फ और सिर्फ जो दोस्ती है वो महिलाओं के साथ नहीं करती है, सिर्फ मर्दों के साथ करती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको लगता है क्या शो का फॉर्मेट ही है, बॉयज ओनली नॉमिनेट एवरी वन ईच टाइम, और जिस दिन ये पलटेगा तब वो लड़कियों के साथ दोस्ती करने के लिए आएगी। शुक्ला पूरा भड़का हुआ है। एंड गाइज पारस यहाँ पर बग्गा को समझाता है कि देख पंगे मत ले उन लोग के साथ, क्योंकि बग्गा खूब खरी खोटी सुनाती है। स्टार्टिंग में तो वो इतना प्लॉटिंग करती है, कैसे भी करके शुक्ला गैंग की बैंड बजानी है। यहाँ पे पारस कहता है उसको देख ज्यादा मत कर वरना तू नॉमिनेट हो जाएगी। अब पारस अपना हर लड़की के साथ अच्छे से बना के रख रहा है, हर लड़की के साथ, चाहे वो गिल हो, गिल ऑब्वियसली अंदर से उनकी क्या सेटिंग चल रही किसी को नहीं मालूम, बाहर से तो उनके पंगे है। सबके साथ बैठ के अपनी अलग खिचड़ी बना रहा है। राइटर कहता है टॉयलेट से ज्यादा गंदगी इस शो में है। शुक्ला फुल भड़क जाता है, बग्गा के ऊपर भी भड़कता है, और बग्गा यहाँ पे आरती के साथ भी झगड़ लेती है। अब आरती यहाँ पे वो कहते हैं ना कि बिन बुलाए मेहमान कुछ होते ना, हेलो नमस्ते हम आपके घर आए हैं, हम आपके दूर के रिश्तेदार है। अब भाई कौन बुलाया तुमको, हेलो नमस्ते हम आपके घर के रिश्तेदार है, भाई कौन बुलाया तुमको नमस्ते, वो जो मेहमान होते हैं ना। अब आरती सिंह ये वो है, एक दिन पहले पारस क्या बोल रहा था ये गिल को बता रही थी, गिल क्या बोल रही थी ये पारस को बता रही है, आज उसने सेम हरकत की। शुक्ला क्या बोलता रश्मि देसाई को बता रही है, रश्मि देसाई क्या बोलती है ये शुक्ला को बता रही है। अब गाइस यहाँ पर क्या हुआ ये काफी इंटरेस्टिंग था, मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस यहाँ पर पारस बोलता है कि मैं चाहता हूँ शहनाज गिल तू मेरे दिल से और शो से आउट हो जाए। अब गाइस यहाँ पर शुक्ला के ऊपर देसाई भी भड़की हुई है, देसाई बोलती है अपने चमचे लोग को खुले में भेजना, ये क्या छुप छुप के भेज रहा है मेरे पास। हाँ शुक्ला बोलता हाँ हाँ मेरे चमचे लोग आ रहे तेरे पास, चल 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 चल, उसको भगा देता है वहां पर। लेकिन गाइस यहाँ पर शुक्ला कहता है मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ शहनाज गिल के बारे में, एंड मैं भी वैसा था इसलिए मैं उसके साथ प्रोटेक्टिव हूँ। यहाँ पे आरती फुल समझा रही है कि जैसा इसे झगड़ा मत कर, पैचअप कर ले। लेकिन गाइस अब गाइस जो नॉमिनेशन रहता है एंड में, शुक्ला के जो पॉइंट है उसे मच्छियां नहीं रहती, सबके पॉइंट में मच्छियां रहती है, और ब्लैक रिंग जो शुक्ला की है वो कम हो जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द शो जो नॉमिनेटेड होते हैं वो सारे लोग हो जाते हैं, असीम नॉमिनेटेड है, राइटर नॉमिनेट हो जाता है, ऑब्वियसली अबू एंड पारस सब लोग सब नॉमिनेट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला बच जाता है। लेकिन गाइज यहाँ पर बग्गा वापस से राइटर को ठीक करती है, क्योंकि राइटर कभी ना कभी हद से बाहर जाएगा ही, उसके अंदर का जो आऊ ललिता शक्ति कपूर जागने वाला है। बग्गा उसे कहती है ओ भाई साहब वो ऊपर का बटन है ना वो बंद करो बंद करो, वो बटन खोल के रखता है, कल उसने बाथरूम का दरवाजा खोल के रखा, वो अगला क्या खोलेगा ये देखने लायक रहेगा। आरती सिंह कहती है पहले कि पारस और गिल अभी देसाई और शुक्ला ये दोनों के बीच में चलो मांडवली कराती हूँ। यहाँ पर देसाई फुल शुरू हो जाती है, मैं किसी का नहीं खाती, पूरी इंडस्ट्री जाती है, कुछ इंडस्ट्री जानती है, मैं किसी के बाप का नहीं खाती, अपने दम पर आई हूँ यहाँ पर, समझ में आया क्या। हाँ अब शुक्ला और देसाई यहाँ पे रात को मिलते हैं, शुक्ला छुट्टा मारने आता है, मस्त हिलता है छुट्टा मारता है अंदर जा रहे हो, बोलता है देसाई को देखो आज से मैं तुम्हारी मजाक नहीं उड़ाऊंगा, तू मेरी मजाक नहीं उड़ाना, मैं तुम्हारी पर्सनल बात किसी को नहीं बताऊंगा, तू मेरी पर्सनल बात किसी को नहीं बताना। तो गाइज उन दोनों के बीच में मांडवली हो गई है, लेट्स सी ये मांडवली कितने देर तक चलती है गाइज यहाँ पर। लेकिन कल येलो जैकेट पहन के दाढ़ी रख के आ रहे हैं सलमान मेरा भाई, वीकेंड का वार, ही इज लुकिंग स्मैशिंग जबरदस्त, ही लुकिंग फैब ऑन द स्क्रीन। और कल आके वो क्या पारस की क्लास लेंगे क्या नहीं लेंगे ये तो कल पता चलेगा। लेकिन कल उनके साथ भारती का पति और हमारे सुनील ग्रोवर ये दोनों भी आने वाले हैं वीकेंड का वार में, तो देखने लायक रहेगा कि कल क्या होता है। तो गाइस आज इतना तो पक्का हो गया कि घर में हर किरदार
दम रखता है। तो गाइज इस हफ्ते डबल एविक्शन होने वाला है। सलमान खान शो खत्म होने के बाद बोलते हैं डबल एविक्शन होगा। अब कौन जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्या विल इट बी दलजीत और विल इट बी कोयना, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वीकेंड का वार विद सलमान खान। तब तक क्या करना है, माता पिता और भारत माता का ख्याल रखना। जिसमें अमरन साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। एंड आज एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई, इसका नाम है द स्काई इज पिंक, जिसका मैंने रिव्यू दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे लिंक है, जाके देखिएगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट।